साला मेरा भी ऐसा ही नसीब है। लास्ट टाइम में किसी भी काम में ना, मैं भी लास्ट टाइम में ऐसे सेम ऐसे ही अटक जाती हूँ, ऐसे ही फंस जाती हूँ। सारी चीज़ें मेरे साथ तो अच्छे से होती रहेगी पूरी, स्टार्टिंग में मुझे लगेगा बस मैं ही आगे हूँ, सब मेरे साथ ऐसा ही होता है सेम। लास्ट में ना मेरे साथ सेम जैसे हमारे देश के साथ हुआ है, जैसे हमारे इंडिया के साथ हुआ है, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही, मेरा नसीब भी ऐसा ही है। भी एक बहुत ही अच्छी से ऐसी जॉब थी जिसमें मेरा ही नाम लिस्ट में था, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स मेरे सही थे, लेकिन जब सुबह लिस्ट में नाम देखने गई, लिस्ट ओपन हुआ, तो वहाँ पर मेरा नाम सेकेंड था, मेरा फर्स्ट में नाम ही नहीं आया, और वहाँ पे सीट एक ही थी, तो फर्स्ट वाले को ही सीट मिलेगी, फिर मुझे क्यों मिलेगी। और रात में मैंने जिसे भेजा था देखने के लिए, जो कोई मेन अधिकारी था जो वहाँ तक जा सकता था, भाई मैं तो नहीं पहुँच सकती थी, मेरी इतनी बड़ी पहुँच तो नहीं थी, लेकिन हाँ जिसकी थी वो आके खुद बताए कि कल आपका ही नाम आने वाला है, लेकिन सुबह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई पैसे वाला पहुँच गया, बहुत पैसे वाला, मुँह मांगी रकम देने वाला, तो सुबह में लिस्ट में नाम उसका आ गया सिफारिश वाले की। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। देखो जैसे कि हमारे इंडिया जो खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, तो मेरे भाई 10 बार कितने अच्छे से जीते, हम लोग बहुत खुश थे। मुझे तो ज़्यादा क्रिकेट में ये सब समझ में नहीं आ रहा, हाँ लेकिन जब वो लोग खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती, चलो मेरे देश वालों ने, मेरे इंडिया वालों, मेरे भाइयों ने किया है, तो मुझे भी खुशी मिलती है। जब उनके छक्के चौके लगते हैं वो लोग खुश होते हैं, ये तो मैं भी खुश होती, हम लोग भी सब खुशी से उछाल पड़ते हैं। चाहे भले ही मुझे पूरा नहीं मालूम पड़ता क्या ये कितना विकेट कितना गया क्या गया, हाँ बस उनको खुश देख के भी मुझे बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि टीवी क्रिकेट का तो मुझे रूल्स पता है। देखो भाई ऐसा नहीं है, हम लोग भी बचपन में क्रिकेट जब हमारी स्कूल में होता था तो मैं भी देखती थी, लेकिन जो अभी टीवी में है ना तो बराबर से समझ में नहीं आ पाता, और ज़्यादा बैठ के देखती भी नहीं हूँ, तो काम करते करते जब लगेंगे ना तो खुश होंगे, तो और जो बच्चे लोग देखते रहते तो बोलते हैं अरे छक्का लगा था, उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो अब जो हुआ 10 बार जीते, 10 के बाद अभी जो लास्ट फाइनल में जो हारे, सेम मेरी किस्मत भी ऐसी है, मैं उनके साथ साथ अपनी किस्मत पर भी रोई हूँ, मुझे भी रोना आया कि मेरी किस्मत भी मेरे इंडियन भाइयों जैसे, मेरे जो इंडिया के जो मेरे भाई खिलाड़ी थे वो जितना रोए, और जो उनकी रोने वाली वीडियो जो इधर उधर से वायरल हो रही है, वो लोग दुखी हैं, जितनी बार मुझे देखने को मिली उतनी बार मैं रोई हूँ। जहाँ भी छोटे छोटे रील्स मिले, वीडियोस मिले, कुछ तो मैंने भी लिया और अपने मैंने भी डाउनलोड कर लिया कुछ रील्स वीडियो, और अपने फेसबुक में इंस्टा पे भी डाल दिया, क्योंकि कभी मेरा मन ज़्यादा दुखी हुआ तो मैं उनको देख के भी मन भर के रो सकती हूँ, इसलिए फिर रो लो फिर मन हल्का हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज अपनी किस्मत के ही बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, आज 2-3 दिन से मुझे भी अपनी किस्मत को लेकर, एक उन लोगों को देख के तो उनका दुख, इसलिए कि मेरी किस्मत जैसे हो गई उन लोगों का भी दुख। तो जब कोई दो दुखी आपस में मिलते हैं किसी चीज़ का, तो वो और भी बढ़ जाता है। तो मैंने कई ऐसे वीडियो में जो रील्स है तो बहुत रोया, और फिर ठीक है अभी होगा, हौसला है मेरा, तो अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं कर भी नहीं सकती, और अब मेरी एज भी वो सब चीज़ पाने की निकल चुकी है, जो चीज़ पाना चाहिए, जो चीज़ 28 के तक, 30 तक, 25 तक रहती है, तो दोस्तों वो तो निकल चुकी है, अब मुझे तो नहीं मिल सकता। हाँ मेरे भाइयों का वो कुछ नहीं गया, मेरे जो इंडियंस भाई हैं जो खिलाड़ी हैं वो तो और ऊँचे तक जाएंगे, इस बहन का भी आशीर्वाद है, जाएंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम हर बार भगवान मेरे जो प्लेयर्स भाई है उनको ही हर बार सफलता मिले, मैं यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो आप लोग अभी मैं जो भी आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट्स में बोलना, और वीडियो में लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और जो भी मेरी वीडियो रहती है मेरी रियल फीलिंग रहती है दोस्तों, मेरी वीडियो कोई
ये नहीं रहती, मेरी जो रियल फीलिंग आती है मैं वही बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नॉर्मल मेरी बहुत सादगी से वीडियो रहती, कभी मैं मजाक के मूड में रहती हूँ तो आपके साथ मजाक वाली वीडियो बना देती हूँ। देखना आप लोग मेरी कई हंसी मजाक वीडियो में है, मस्ती वाली वीडियो, मजाक वाली, और जब मैं कभी सैड मूड में रही तो मैं रो के भी बना देती हूँ। हाँ, वो मेरी रियल फीलिंग होती है, मैं वीडियो बनाने और लाइक पाने के लिए नहीं रो देती, मेरा रियल दुख रहता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मतलब रियल फीलिंग ही रहती है। तो ऐसा है मेरी वीडियो में जो भी है मेरी रियल फीलिंग होती है दोस्तों, कोई एक्टिंग बनावटी नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही, जय श्री राम।